जी का हम कर स्वाध्यं करे आचार्य गुणभद्र द्वारा विरचित करेंगे मंगलं भगवान वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्द कुन्दो जैन धर्मो मङ्गलम् नमो उवच्छायाणं नमो लोय पञ्चपमिष्ठि भगवान की जय अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौ बढ़कर मंत्र पढ़ लें तो हम लोग ने कल ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है ना थोड़ा सा रह गया वो भी सिर्फ एक समरी रूप में तो वो देख लेते हैं किसी को कोई प्रश्न शांतिनाथ भगवान के आ, पूरे जो हमने पुराण उनका पढ़ा उससे रिलेटेड किसी को कोई प्रश्न है यहाँ पर तो देख लेते हैं जो पहले राजा श्री हुए ठीक है सबसे पहला भाव जो बता रहे हैं पिछले बारह भावों में पहले राजा श्री हुए फिर उत्तम भोगभूमि में आर्य हुए वहां पर जन्म लेने वाला हर पुरुष जो है वो आर्य कहलाता है फिर देव हुए फिर विद्याधर हुए फिर देव हुए फिर बल फिर बलभद्र हुए फिर देव हुए फिर वज्रायु चक्रवर्ती हुए फिर अहमिंद्र पद पाकर देवों के स्वामी हुए फिर मेघरथ हुए ठीक है ना उसमें मेघरथ में वो ऑलरेडी तीर्थंकर के पुत्र थे फिर मुनियों के द्वारा पूजित होकर सरवार सिद्धि गए सरवार सिद्धि विमान सबसे उत्कृष्ट विमान उसमें अहमिंद्र बने और फिर वहां से आकर जगत को एक शांति प्रदान करने वाले श्री शांतिनाथ भगवान हुए वे सोलवे तीर्थंकर तुम सबके लिए चिरकाल तक अनुपम लक्ष्मी प्रदान करते रहे जो पहले अनदिता रानी हुई थी जो राजा श्रीषेण की पत्नी थी वही बाद में फिर उत्तम भोग भूमि में आर्य हुआ था उसी का जीव अब मेल हो गया है ना फिर विमल प्रभ देव हुआ फिर श्री विजय राजा हुआ फिर देव हुआ फिर अनंत वीर नारायण हुआ फिर नारकी हुआ फिर मेघनाथ हुआ फिर रथीन्द्र हुआ फिर सहस्रायुध हुआ फिर बहुत भारी रिद्धि का धारी अहमेंद्र हुआ और वहां से चुत होकर मेघरथ का छोटा भाई बुद्धिमान दृढ़रथ हुआ और अंतिम अनुत्तर विमान में उसके बाद अहमिंद्र हुए सरवार सिद्धि विमान जो कि अंतिम अनुत्तर विमान है उसमें अहमिंद्र हुए फिर वहां से आकर चक्रायुद्ध नाम का गणधर हुआ किसका गणधर बना शांतिनाथ भगवान का और फिर अंत में अविनश अक्षर अविनाशी सिद्ध हुआ और अपना कल्याण कर लिया इस प्रकार अपने हित और किए हुए उपकार को जानने वाले चक्रायुद्ध ने चक्रायुद्ध ने मतलब जो भाई चक्रायुद्ध है ना गणधर बने चक्रायुद्ध ने अपने भाई के साथ सौहार धारण कर समस्त जगत के स्वामी श्री शांतिनाथ भगवान के साथ साथ परम सुख देने वाले मोक्ष पद प्राप्त किया सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुषों की संगति से इस संसार में कौन सा इष्ट कार्य सिद्ध नहीं होता इस संसार में अन्य लोगों की तो बात जाने दो श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र को छोड़कर भगवान तीर्थंकरों में ऐसा कौन है मतलब कि विदिन ट्वेंटी फोर जो तीर्थंकर थे, उनमें ऐसा कौन है, जिसने में में से प्रत्येक बहुत भारी वृद्धि प्राप्त की हो वृद्धि किस चीज में अपने आत्मिक गुणों में है ना वैभव में भी वृद्धि अंतरिंग अंत अंतरंग और बाह्य दोनों तरह से वृद्धि प्राप्त करी इसलिए हे विद्वान लोगों यदि तुम शांति चाहते हो तो सबसे उत्तम और सबका भला करने वाले श्री शांति जी का ही निरंतर ध्यान रखो करो करते रहो भोग भूमि आदि के कारण नष्ट हुआ मोक्ष मार्ग यद्यपि ऋषभनाथ आदि तीर्थंकरों के द्वारा फिर फिर से दिखलाया गया था तो भी उसे प्रसिद्ध अवधि के अंत तक ले जाने में कोई भी समर्थ नहीं हो सका मतलब बीच-बीच में जो है लगातार नहीं चल पाया तो उसको बोल रहे हैं तदनंतर भगवान शांतिनाथ ने जो मोक्ष मार्ग प्रकट किया वह बिना किसी बाधा के अपनी अवधि को प्राप्त हुआ इसलिए हे बुद्धिमान लोगों, तुम लोग भी आद्य गुरु आद्य का मतलब तो स्टार्टिंग रहता है ना आद्य गुरु श्री शांतिनाथ भगवान की शरण लो। भावार्थ शांतिनाथ भगवान ने जो मोक्ष मार्ग प्रचलित किया था वही आज तक अखंड रूप से चला आ रहा है इसलिए इस युग के आद्य गुरु श्री शांतिनाथ भगवान ही हैं उनके पहले पंद्रह तीर्थंकरों ने जो मोक्ष मार्ग चलाया था वह बीच बीच में विनष्ट होता रहा है है ना धर्म का धर्म बीच बीच में कटता रहा वहां पर कोई भी धर्म का प्रचार करने वाला साधु अरिका आदि नहीं बचे ठीक है तो इस प्रकार से यहाँ पर शांतिनाथ तीर्थंकर और चारित्र चक्रवर्ती दोनों हो गए ना दोनों का पुराण का वर्णन करने वाला पर्व समाप्त हुआ शांतिनाथ हुआ दो बार चक्रवर्ती बने हाँ कितना ऊपर ही ऊपर चलते चले गए है ना राजा हुए फिर भोगभूमि में फिर देव फिर विद्याधर फिर देव फिर बलभद्र यहाँ तक कि बलभद्र का भी पद उन्होंने ना सिर्फ चक्रवर्ती बने दो बार बलभद्र भी शलाका पुरुष है भले ही यहाँ के ना बने कहीं और के बने है ना फिर शलाका पुरुष बलभद्र हुए फिर देव फिर चक्रवर्ती फिर अहमिंद्र फिर मेघरथ और फिर सरवार सिद्धि अहमिंद्र और फिर शांतिनाथ भगवान

पहली बार सम्यक दर्शन हुआ था हाँ ये जब विद्याधर हुए थे अमित तेज नाम के है ना वहां से वहां पर उनको क्या आपने बोला हाँ अमित तेज की उसमें लिखा था मैं पढ़ रही थी कि वहां पे उन्होंने सम्यक दर्शन निर्मल सम्यक दर्शन प्राप्त किया आई थिंक उस टाइम उनको पहली बार सम्यक दर्शन हुआ था और फिर उन्होंने बहुत सारी रिद्धियां प्राप्त करके विद्या हाँ, हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट राजा श्री शेण का क्यों लिया क्योंकि वहां पर उन्होंने रिद्धिधारी मुनिराज को आहार जो कराए ठीक है उससे जो उन्होंने पुण्य बंद किया वहां से उनका उत्थान शुरू हुआ इसलिए राजा श्री से कंटिन्यू करते हैं है ना दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट भव फॉर हिम क्योंकि अगर वो दान नहीं देते तो भोग भूमि नहीं जा पाते और भोग भूमि के बाद जो पुण्य हुआ फिर देव गए है ना तो ये सारी एक के बाद एक चलता चला गया तो सबसे पहले जो उन्होंने रिद्धिदारी मुझ को आहार देने का कार्य किया पुरुषार्थ किया वो उनके मेन उत्थान का कारण बना है ना और वो ही कारण था कि उनकी पत्नी जो आनंदिता थी उन्होंने उसका अनुमोदना करी थी उनके साथ दान दिया था है ना? तो उन्होंने भी अपना कल्याण कर लिया ठीक है कौन से मुनिराज को दिया वो नहीं बताया ना आ, वो हम खुद देख सकते हैं या तो अच्छा अच्छा हाँ बताया है बताया, बताया हाँ बताए तो सब है हम बस गया हो गया तो चारों ये रानी अनंतिता जो थी जी कभी जीव एक बार तो नारायण हो नरक में गया वो नारायण वो बने ना विजय विमल प्रभ विजय हाँ, हाँ बिल्कुल उसके बाद फिर वो के फिर, हाँ तो जब वो अनंत वीर नारायण का जीव नारक में था तब उन्हें किसी ने संबोधन दिया था कौन थे वो कोई बताएगा धरनेंद्र? हाँ बहुत सुंदर उमा जी बहुत मतलब वेरी इंप्रेसिव धर्मेंद्र थे वो उनसे रिलेटेड थे कुछ आइडिया किसी को किस किस तरह से रिलेटेड थे पिता थे, थे शायद धरणींद्र चाचा थे ना शायद जब वो तो पितन पिता थे प्राचीदी ने बिल्कुल सही बताया अच्छा। पिता थे उनके अनंत वीर्या के भव में उनके पिता थे स्तमित सागर है ना ओ, क्योंकि ओ, ओ, उन्होंने आ, निदान कर लिया था धरणींद्र के पद को देखकर उसकी हा, 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 है ना तो धरणींद्र बन गए लेकिन फिर पुत्र को संबोधन देने के लिए नरक गए जिनकी वजह से उनका कल्याण हो पाया क्योंकि उनको फिर नरक में ही सम्यक दर्शन हो गया है है ना ठीक तो कौन से नंबर के तीर्थंकर थे शांतिनाथ भगवान पांचवे चक्रवर्ती थे हाँ बहुत सुंदर सबको क्लियर हो गया ना पांचवे चक्रवर्ती थे और सोलवे तीर्थंकर मेरे हाँ इसलिए इनका कहा ना शासन काल चला के इनके बाद सब एक के बाद एक बार 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 भी काम नहीं कर बार भी काम हाँ है ना हाँ हाँ इसके बाद धर्म का, का विच्छेद नहीं हुआ हाँ. विच्छेद नहीं हुआ हाँ, इसीलिए वो कह रहे कि शांतिनाथ जो वो पढ़ते हैं ना शांति ये हाँ शांतिनाथ पंचम चक्रेश्वर द्वादश मदन जो इसीलिए शांति धारा शांति है ना शांतिनाथ भगवान की पूजा में आता है ना शांति हाँ, इसीलिए उनको इतना महत्व दिया जाता है क्योंकि एक तो तीर्थंकर अपने आप में उत्कृष्ट उसके बाद उनकी अगर हम कथा देखे तो उत्कृष्टतम उत्कृष्ट है ना ऐसे ऐसे उनकी वृद्धि आत्मिक वृद्धि होती चली गई तो जब हम कभी पूजा भी करते हैं तो हम सब सबसे बेस्ट की पूजा करना चाहते हैं राइट उसके गुणों का वर्णन सबसे बेस्ट का तो इसलिए शांतिनाथ भगवान का बेस्ट में बेस्ट मान सकते हैं है ना तीर्थंकर है वैसे तो कोई डिफरेंस ही नहीं है लेकिन अगर पूर्व भाव उठाकर देखे हम तो उनके पूर्व भाव भी बहुत सुंदर थे है ना? और ऐसा कहीं पर हमने उनके ऐसा नहीं देखा कि उनपे बहुत उपसर्ग हुए ठीक है ना तो बहुत शांति प्रिय तरीके से उनका जीवन रहा इसलिए हम उनको उनकी पूजा स्पेशली करते हैं हम लोगों में रोज की शांति सनातन पूजा होती है हाँ। डेली हाँ। की होती है मतलब हाँ। और शांति मतलब हम लोग पढ़ते भी इसे प्रतिक्रमण करते हैं ना उसमें भी शाम के प्रतिक्रमण शांति पढ़ते है कोई सी भी शांति पढ़ेंगे चाहे हाँ। बड़ी चाहे छोटी हाँ बहुत सुंदर गुड हाँ चलिए अब अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि अमित तेज की बहन थी एक ठीक है और सुतारा बता देते हैं उनका अपहरण किसने किया था अश्विनी घोष बहुत सुंदर बहुत सुंदर अगर प्राइज रखा जाएगा ना तो प्राचीत और ये उमा बहन सब ले जाएंगे हाँ अश्विनी घोष और कोई बताना चाहेगा किस तरह से किया था बहुत ही फेमस कहानी टाइप से है वो जो प्रचलित रामायण है ना उस तरह की कहानी है अश्नी घोष ने क्या किया रानी जो सुतारा थी उनके बनावटी हिरण दिखाया उनको है ना और जब श्री विजय उस हिरण के पीछे गया तब अश्नी घोष ने विद्या के प्रभाव से सुतारा को अपने विमान में बिठा लिया श्री विजय का रूप बदलकर तो वेरी सिमिलर टू प्रचलित रामायण में जो सीता का अपहरण होता है और उसके पास एक मायावती राक्षसी दे दी थी के हाँ, हाँ, पास हाँ, हाँ, फिर वो उसको किसी ने हेल्प करी विद्याधर ने कि ये राक्षसी हाँ हाँ बहुत बढ़िया <laughs> वो विद्याधर भी जो सुतारा का भाई था उनका कुछ था ना हाँ तेज, हाँ हाँ वो ही उसी ने ही बचाया उसी ने बचाया था हाँ ठीक है फिर ये बताइए कि राजा श्री ने विष पुष्प को विष फल पुष्प को सूंघ मरण किया था वो क्यों किया था क्या हुआ था ऐसा जो तो क्योंकि उनके पुत्र क्यों हाँ वो एक एक उन, उनकी जो बड़े पुत्र की वाइफ थी उसके साथ एक दासी आ गई थी अनंतमती शायद नाम था उसका उस उसके उस पे मोहित हो गए थे दोनों पुत्र और भी कोई बताना चाहेगा हाँ वो मुझे तो कुछ ऐसा ध्यान पड़ रहा है कि वो उन दोनों के युद्ध बहुत ज्यादा हुआ तो वो सहन नहीं कर पाए उस युद्ध को अब, तो वो इसलिए उन्होंने फिर वो पुष्प से अपना आत्मघात कर लिया था हुँ, हुँ. बिल्कुल अब और कोई बताना चाहेगा तो आ, दोनों का ही सही है आ, उनकी जो अनंत मती सेविका आई थी उस पर मोहित हो गए थे और दोनों भाई हाँ। और दोनों उस पर लड़ने लगे जिसको देखकर राजा श्रीसेन को बहुत दुख हुआ है ना क्योंकि मनाने पर भी वो नहीं मान रहे थे ठीक है ना और यूर तो से रिलेटेड क्वांटिट्यूड वो दोनों पुत्र उसी तद्भव मोक्षगामी भी थे इंद्रसेन और उपेंद्र सिंह हां आपने बहुत अच्छे से रिवाइज किया है

कोई महारा, क्या बोलेंगे उनको हुँ? तो उनके पास जाके उन लोगों ने दीक्षा ले ली थी बहुत सुंदर सुंदरिका के व्रत भी किए थे अष्टानिका के व्रत किए थे बहुत सुंदर ये तो बेस्ट है अष्टानिका के व्रत किए और फिर उत्कृष्ट स्मरण करके और देव हुए है ना हुँ. अनंत वीर के जीव को किसने संबोधित किया ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है ना हाँ तो जब युद्ध का जीव था आ, वज्रयुद्ध का जीव जब स्वर्ग से कंप्लीट करी आयु तो कहा जन्मा क्या बना हम चार्ट में भी देख सकते हैं जो आ, उमा जी ने शेयर किया आपके इसमें मेघरथ लिखा हुआ है मजराुद्ध स्वर्ग से चयकर मेघरत राजा हुए ग्रेक में हुए ना हाँ पहले अमिंद्र हुए थे मतलब हाँ, वज्रा युद्ध का जीव स्वर्ग गया और स्वर्ग से चयकर हाँ, मेघरत हाँ, का जीव हुआ या, या। विदेश क्षेत्र हमने पढ़े थे कितने होते हैं विदेश क्षेत्र में कितनी नगरिया रहती हैं बत्तीस हाँ एक सौ सत्तर वन सेवनटी बत्तीस बत्तीस ने बताया कि वन नो 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 सॉरी मुझे क्लियर करना चाहिए था जम्बूद्वीप के विदेश क्षेत्र में कितनी नगरियां हैं जम्बुद्वीप हाँ बत्तीस नगरियां बिल्कुल सही हम तीर्थंकर बनने के लिए कितनी भावनाएं बताई है सोलह का सोलह सोलह पहली इम्पोर्टेंट है बहुत सुंदर बहुत सुंदर विद्यार्थ पर्वत पर कौन रहते हैं विद्याधर विद्याधर सारे विद्याधर रहते हैं और विद्याधर क्या डिफरेंट है उनमें और मनुष्यों में पे विद्या अपना कैसे भी वो कुछ भी बदल के कैसे भी जा सकते आ सकते है बहुत सुंदर चार प्रकार के दान की हमने बात सुनी थी किसी को याद है औषध शास्त्र औषध बताया था आपने नहीं हम्म अः हाँ आहार औष औषधि शास्त्र अभय हाँ और शास्त्र दान अच्छा ये बताइए कि मेघरथ जब थे मुनि मेघरथ ने तीर्थंकर कर्म की प्रकृति का बंद कहां पर किया किसके पादमूल में किया ने पिता तीर्थंकर के पादमूल जो इनके पिता थे हाँ बहुत सुंदर अपने ही पिता तीर्थंकर थे उनके पादमूल में हम्म अच्छा फिर ये मुनि मेघरथ आयु पूर्ण करके कहा जन्मे बहुत आसान सर्वात सिद्धि में अहमिंद्र हुए हम्म है ना इजी है इजी था ये वाला और जब अच्चाँ? ये जी ये अमिन्द्र तो बाद में नहीं हुए पहले तो 13वें सर्ग में नहीं गए थे आ नहीं मेघरथ के बनने के बाद उसके बाद जब इन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया उसके बाद ये सर्वार सिद्धि में अहमेंद्र पद पर गए ओके ओके ठीक है उसके बाद ये कहां जन्मे जब सर्वार सिद्धि से चुथ हुए छोड़ा उन्होंने सर्वार सिद्धि को तो किस नगर में इनका जन्म हुआ हस्तिनापुर में चिनपुष ये तो बेबी पढ़ा इसलिए याद है अच्छा इनकी माता और पिता का नाम किसी को याद है पिता विश्वसेन और माता पैला देवी माता का नाम अच्छा मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को ना बैन करना पड़ेगा यहाँ पर ताकि सभी हम लोगों को नहीं आता तो थोड़ा सा दिमाग में है वो बोल रहा है हाँ, बाकी भी ट्राई कीजिए चाहे गलती बोलिए लेकिन ट्राई कीजिए है ना इसमें यहाँ पर कोई जज नहीं कर रहा है कि नहीं, त्राइ हम कोशिश कर रहे हैं इसलिए है ना उनकी माता ने कितने स्वप्न देखे थे सोलह सोलह उनका नाम किसने डिसाइड किया देवो ने देवो ने धर्मेंद्र देव ही है वो लेकिन स्पेशली सौधर्मेन्द्र है ना सौ धर्मेंद्र भगवान शांतिनाथ की आयु कितनी थी एक लाख एक लाख वर्ष बहुत सुंदर रूप में नी आंटी बहुत सुंदर <laughs> अच्छा भी कौन बताएगा उनके शरीर की हाइट उनकी हाइट कितनी थी धनुष नहीं और और जब वो चक्रवर्ती तो कितने कितनी निधिया उनके पास आ गई चौदह रत्न हम्म नवनिधियाँ और चौदह रत्न चौदह रत्न वो हर चक्रवर्ती के पास होती ही होती है उनके वैराग्य का क्या कारण था शांतिनाथ उन्होंने अपने आप को दो दो रूप में देखा जिस समय दो रूप जब में वो अपना श्रृंगार श्रंगारे दो, दो, बाल दो, बाल दो बाल नहीं नहीं दो। बाल साथे। नहीं साथे। दो बाल शीशे में अपने दो रूप दो रूप दो तो जाते स्मरण हुआ हाँ हाँ उनको छाया सी दिखाई दी अपनी खुद की एंड देन ही फेल्ट कि सब कुछ भंगुर है सब चला जाता है सॉरी uh, थोड़ा सा सोच के क्वेश्चन uh, कर रही इसलिए थोड़ा बीच में टाइम लग रहा है और उन्होंने मोक्ष कहा हुआ उनका शिखर जी पे एक, एक महीने पहले चले गए थे वहाँ क्या मतलब एक कल्याणक उनका समेत से बाकी के चार कल्याणक हस्तीपुर तो प्रक्ति में हाँ बहुत सुंदर और क्या पूछ सकते हैं जो कल एक बात कर रहे थे ना उनको नींद का राइट right? नींद आती है कि नहीं शायद वो आज है नहीं सपना जी यहाँ पर है ना आज तो... मैंने सुना था वो स्वस्थिभूषण माता जी ने बताया मुनि जी अड़तालीस मिनट सोते हैं अच्छा मतलब जो तीर्थंकर हैं वो मुनि या नॉर्मली तीर्थंकर तीर्थंकर हाँ बहुत सुंदर और और जब उनको केवल ज्ञान होता है तो जो मेरी जानकारी है पढ़ा मैंने कि वो अठारह दोषों से रहित हो जाते हैं तो है तो है, में में केवल ज्ञानी राइट तब वो नहीं सोते हाँ। तब निद्रा नहीं आती उससे पहले अड़तालीस अंतर मुहूर्त के लिए सोते होंगे है ना अड़तालीस मिनट बस हाँ, बाद में नहीं सोते बाद में, में नहीं सोते और एक और चीज जो उनको पीछे कमंडल की बात चल रही थी ना तो कि जब वो मुनि बनते हैं तीर्थंकर जब भी मुनि बनते हैं दीक्षा लेते हैं तो लेते साथ ही उन्हें मने पर यह ज्ञान प्रकट होता है ठीक है ये हम सब में पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ अनेक रिद्धियां भी उनके अंदर प्रकट हो जाती हैं जो हम पढ़ते हैं ना चौसठ रिद्धियां चौसठ में से एक केवल ज्ञान को छोड़कर तिरसठ रिद्धियां उनमें प्रकट हो जाती हैं तो उसकी वजह से उनसे किसी जीव का घात नहीं होता ठीक है ना तो इसलिए उनके वैसे भी चलते फिरते समय किसी भी समय किसी जीव का घात उनके द्वारा नहीं होता तो इसलिए वो नहीं, नहीं लेते हाँ उनके एक तो निहार नहीं होता उनके हाँ। मलमूत्र नहीं बनता जो भोजन वो ग्रहण करते हैं, वो एकदम जैसे होता है कई लोगों के यहाँ पर भी देखा होगा कि एकदम से बर्न हो जाता है लाइक शरीर को लगा और खत्म है ना मतलब उनका बचता नहीं है मतलब उसमें कन्वर्ट नहीं होता उसमें से कुछ भी केवल तो ज्ञानी तो भोजन लेते कहा है, है? केवल ज्ञानी से पहले केवल ज्ञान से पहले तो अवस्था की बात कर रहे हैं ना हाँ कि मुनि बनने के बाद भी उनके अंदर मतलब जैसे ही वो तीर्थंकर हैं तो उनके अंदर वैसे ही निहार नहीं होता मलमूत्र आदि दोष नहीं रहते है ना उस तरीके से भी और पीछे इसलिए नहीं चाहिए उन्हें क्योंकि उनके द्वारा किसी जीव का घात नहीं होता चारू मेरे ख्याल जो तुमने अभी बताया ना ये 64 में से जो 63 रितियां हैं तो उसी में शायद इनका भोजन का और सब कुछ है कि बस वो सोचते हैं कोई उसके लिए शायद ऐसा कुछ है कि आ, वो नहीं ऐसा नहीं है इवन चारण रिद्धि दारी मुनिराज जो हैं नॉर्मल जाके आहार करते हैं ठीक है आ, लेकिन क्या है कि जो जिन इनको आहार देता है तीर्थंकर को जिसके यहाँ जिसका भी आ, जिसके यहाँ भी आहार होता है वह है नियम से इसी भाव से मोक्ष जाता है अच्छा, अच्छा। इतनी इतनी ज़्यादा वो अपने पापों की निर्जरा कर लेता है तीर्थंकर को आहार देने के लिए के बाद पंचाश्चर्य तो होते ही है चारण रिद्धि मुनिराज आहा। भी आहार करते हैं तो पंचाश्चर्य हो जाते हैं ठीक है और ये तो क्या है तीर्थंकर मुनि बनने वाले तीर्थंकर होने वाले है ना तो ये बहुत महान रिद्धियों के धारी होते हैं वो अलग बात है कि वो उन रिद्धियों का इस्तेमाल नहीं करते तो मुनि अवस्था में उनको तैसठ रिद्धि होती है हाँ उनके पास रिद्धियां होती है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते ऐसे जैसे रिद्धियां क्या चीज है रिद्धियां होती है शक्ति उनके अंदर प्रकट हो जाती है लेकिन वो उसकी और ध्यान ही नहीं देते ऐसा नहीं कि वो उसका यूज कर रहे हैं ठीक है आई थिंक इतना गुड इनफ है सबको बहुत अच्छे से समझ में आया हाँ के ना जी आपने हाथ रेस किया तो अभी आपने अपने ग्रुप में एक दिन मैसेज भेजा था कि सोने से पहले ये सब तैयार कर देना चाहिए जी. ऐसा तो अब रात को आपको ड्रीम्स आ रहे हैं तो जी. आपका वो नियम ब्रेक नहीं होता आम, रात को आ रहे हैं तो उससे नियम ब्रेक नहीं होगा मतलब किस टाइप के नियम ड्रीम्स हमारे कुछ खाने के आए कहीं बाहर गए कुछ तो भी जब हम सब कुछ छोड़ के सो जाते हैं राइट उसके बाद अब उस पर अपना कंट्रोल नहीं है नहीं। दिन भर में कुछ हुआ उस हिसाब से कुछ आया कुछ तो भी होता है इमोशंस चेंज होते हैं कभी खाने का कुछ हो जाता है हाँ तो क्रोध भी आ सकता है किसी पे अननेसेसरी हाँ तो लेकिन आ, मैंने ऐसा कहीं सुना नहीं है कि सपने में आए हुए उसको you know, नहीं, 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 लगता लगता तो उसका दोष लगता होगा खीर खा ली आपने और आपने का, हाँ, खाने का आए व्रत किया है और खाने का है तो दोबारा वो व्रत करना पड़ता है उसका प्राश्चित करना पड़ता है मुनि महाराज ने बताया था कि स्वप्नों में जो भी आए वो दोष लगते है हाँ। प्रतिक्रमण पाठ में भी आता है कि मैंने स्वप्न में अगर हाँ, 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 हाँ।, में आता है। हाँ तो इसमें पूछ क्या? सकते हैं केना जी आई थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन कि ऐसा हो आप जैसे बोलते हैं तो उसका क्या प्रायश्चित रह सकता है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने बहुत बहुत धन्यवाद <laughs> नहीं मुझे क्वेश्चन हुआ क्या अगर मैंने ये नियम लिया रात में फिर सपने में कुछ खा कुछ भी हाँ तो लेकिन क्या? एक चीज आपको जरूर कहना चाहेंगे कि आप ये सोचकर कि अभी स्वप्न में कुछ आ ना जाए और मुझे उसका पाप लगेगा उसकी वजह से ये करना मत छोड़िएगा ठीक है क्योंकि okay. ये करने में आपको जो पुण्य मिलेगा और हुँ. जो स्वप्न में कभी आपको दिख गया कुछ एक आध बार राइट तो उसमें जो पाप का बंद होगा भी तो उसकी मात्रा बहुत कम होगी ठीक है अल्टीमेटली आप बेनिफिट में ही रहने वाले हैं ओके ठीक है ओके हाँ इसको करते रहिएगा और बाकी अपन पता कर सकते हैं कि इसमें जो ऐसा करके हम करते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए और आई एम श्योर कि बहुत ही छोटी सी कोई प्रक्रिया रहेगी इसकी कि हाँ जो भी पाप लगा हो मेरा वह पाप मिथ्या हो है ना और किसी ने बताया राइट okay. यही के प्रायश्चित लेना ये ये भी बोले हाँ प्रायश्चित में।, में ऐसे कोई प्रायश्चित ले लो नहीं तो थोड़ा मेरे हिसाब से तो अगर नहीं किसी से पता लगता तो एक नमोकार नमोकार मंत्री जाती थी है अपनी नींद खुल जाती है तो अपने, हाँ। अपने मुंह से नमो निकलता है कोई भी हाँ। डर लगे कोई भी का सपना आ जाए तो वो निकलता ही है मुंह से फिर हाँ 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 रेखा जी आपने हाथ खड़ा किया हाँ तीर्थं का यहाँ पे तीर्थंकर जन्म नहीं लेते हैं हाँ। तो फिर इनमें कैसे अपने मतलब की फादर में वो लिया तीर्थंकर प्रकृति का बंद प्रकृति का बंद किया रेखा जी वो तीर्थंकर बने नहीं है ना अभी तो अगले फिर उनका भाव था एक बीच में फिर तीर्थंकर बने तो तीर्थंकर का बेटा तीर्थंकर नहीं हो सकता लेकिन तीर्थंकर का बेटा उनके पादमूल में बैठकर तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है मतलब तीर्थंकर का बेटा तीर्थंकर होने का मतलब क्या है कि उनकी तीर्थंकर प्रकृति का उदय होना उसी भाव में तो दो <laughs> तो फादर और बेटा एक साथ तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं कर सकते दो <biting> तो तीर्थंकर भी नहीं हो सकते एक समय में चाहे बेटा बाप ना भी हो कहीं और भी नहीं हो सकते एक समय में एक क्षेत्र में जैसे क्षेत्र में एक, भी, एक भी तीर्थंकर ही, ही वे बनाया हो कि बेटा बाप एक साथ तीर्थंकर नहीं हो सकते है ना? वैसे लेकिन लेकिन उनके अगर लेट से पिता मोक्ष चले गए लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब बेटा बन सकता है नहीं तीर्थंकर का बेटा कभी तीर्थंकर नहीं बन सकता हाँ ये बात भी उस दृष्टि से भी सही है लेकिन वैसे तीर्थंकर अगर एक टाइम में एक जगह मौजूद है तो हाँ, दूसरा हाँ, तीर्थ हाँ, वो, वो, वो सही है वो अपनी जगह सही है ठीक चारू मुझे एक चीज पूछनी थी जी। जो जैसे आ, ये बताया था कि के ही बने थे ना हाँ, तो पंचकल्याणक हुए थे या क्या हुआ था हाँ पंचकल्याणक पंच हुए थे हमने देखा था उनके पंच कल्याणक में सेम फॉलो हुआ था है ना वो एक अलग बात है क्योंकि फोकस उनके ऊपर नहीं रखा फोकस शांतिनाथ भगवान के जीव के ऊपर रहा नहीं नहीं वो मैं इसलिए पूछ रही क्योंकि मुझे तो याद नहीं है ये चीज ये तो याद है कि वो बने थे तीर्थंकर और वो शायद वो विदेश क्षेत्र के या कहां के बने थे हाँ लेकिन वो अभी थाती मैंने थाती सुना थाती। वो महाराज जी ने बताया कि जब तक पंच कल्याणक ना हो किसी के वो तीर्थंकर नहीं कहलाते तो इसलिए मैं पूछती थी कि उनके पांचों कल्याणक हुए थे हां उनके हुए थे कल्याणक हुए थे लाकांतिक देव भी आए थे है ना वो सब कुछ हुआ था उनका नहीं जैसे वो जन्म लिया तो वो फाला तो नहीं हुआ था ना उनका नहीं तो हमने उनकी कहानी नहीं पढ़ी ना पढ़ी नहीं लेकिन विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों का तीन ही कल्याणक भी हो सकते का ऐसा नियम है वहां पर जरूरी नहीं है नहीं आप यहाँ पे थी यहाँ तो पांच ही कल्याण होते हैं वहाँ पे दो तीन चार पांच होते हैं वो भी जो उसी भाव में, में। जन्म हो जरूरी नहीं है लेकिन दीक्षा दीक्षा तीन 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 होते हैं ज्ञान और होते हैं प्राचीव अगर उसी भाव में उनको जाना है तो दो ही होते हैं फिर नहीं तो एक तो दीक्षा कल्याण होगा और एक केवल ज्ञान कल्याण होगा और एक निर्वाण तीन तो होंगे ही ना मिनिमम हाँ तीन तो होंगे पांच जो होने जरूरी नहीं है हाँ गर्भ हाँ, जन्म हाँ, ये ठीक है विदेश क्षेत्र के उनमें तीन हाँ हम्म हाँ। है ना लेकिन हमने क्योंकि उनकी पूरी स्टोरी नहीं पढ़ी है तो इसलिए हाँ। हम कह नहीं सकते यहाँ पर है ना अच्छा ये एक चीज और मैं बताना चाहूंगी वैसे एक बताया महाराज जी ने हाँ। कि जैसे विदेश क्षेत्र में एक सो सो, जैसे बीस होते हैं ना विद्यमान विषय जैसे हम तीन कहते हैं बीस कहते हैं तो कह रहे एट ए टाइम वन सेवेंटी बन सकते हैं मैक्सिमम मैक्सिमम तो, mm. mm. लेकिन ये सब एक दूसरे से जैसे भी ये बात चल रही थी कि एक ही टाइम में नहीं होते एक ही टाइम में भी हो लेकिन मिलते नहीं आपस में दो मतलब अलग अलग जगह रहेंगे विदेश क्षेत्र भी जैसे बहुत बड़ा होता होगा ना जैसे भारत क्षेत्र है सब mm. तो उसमें अलग अलग रहेंगे लेकिन एट ए टाइम हो सकते हैं तीर्थंकर ये बताया उन्होंने तो अजित नाथ भगवान के समय में एक सौ तो वहां पे खंड होते हैं वहां पे एक तीर्थंकर हो सकते हैं हाँ, उसमें हाँ, पूरा विजय आर खंड होता है मले, पांच मलित खंड होते हैं उस पूरे को वहां पे केवल एक तीर्थंकर एट ए टाइम हो सकता है तो बत्तीस की बत्तीस नगरियों में पांच एक एक हो सकते हैं एक सौ तो साठ मैक्सिमम हो सकता है टोटल नहीं एक सौ सत्तर वन सेवेंटी भारत और मिला के हाँ, नहीं चाहू सिर्फ विदेश क्षेत्र में नहीं नहीं वो नहीं सही भारत, भारत, भारत मिला के अभी महाराज जी ने बताया मैं तो देखो तो इतना नॉलेज मुझे नहीं है अभी महाराज जी ने बताया और ये मुझे याद है इसलिए बता रही हूँ हाँ ये थोड़ा आपको एक बार और देखना पड़ेगा क्योंकि चलो मैं दोबारा देखती हूँ हाँ ठीक है तो इतना ही रखते हैं अपन फिर हम कल छाला की क्लास लेंगे है ना आप एक बार फिर से भेजेंगे आपने रात वाला जो बोला था जो मेरे को कहीं मिल ही नहीं रहा है वही ढूंढ रही थी ये है ना अच्छा आई आई फॉरवर्ड अगेन ओके ओके और ये मैं एक चीज पूछी ये जो मतलब चीज़ ये दृढ़ मतलब इसी ये इन्हीं की जो पत्नी का वो वो हुआ था मतलब नीका हुआ था क्या मतलब नहीं समझ मतलब ये दृढ़ मतलब सबसे पहला ही जो मतलब ये इसमें दिया अन्दिता? ना इसे रानी हुई थी हाँ. तो ये अनंता रानी अनदिता रानी जो थी राजा श्री सेन हाँ. की राइट हाँ हाँ तो आगे चलकर मेघरथ का छोटा भाई दृढ़रथ हुआ हाँ वही मैं पूछ रही थी ठीक है अच्छा तो उसी के बारे में ये सारी चीजें और अनंत रानी भगवान शांतिनाथ भगवान का गणधर बना हाँ। तो, तो देखा जाए तो अपनी इतनी सारी हमने में ये पढ़ा तो हम लोग जो जिन लोगों से भी इस जमन में मिलते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमारा अच्छे बुरे रिलेशनशिप पहले से आते जा रहे हैं कहीं ना कहीं हाँ। ऐसा दिखता है जो हमारे लाइफ को अफेक्ट डालते हैं वो ऐसा है, हाँ। है ना हाँ हाँ सही कोई कारण है जो हमारे वो निमित्त बन रहे हैं चाहे हमारे कषाय करने में निमित्त हैं चाहे हमारे वैराग्य में निमित्त हैं या हमारे कल्याण मित्र हैं है, है ना और हो सकता है कि आ, अंत में इन्हीं सब में से कोई हमारे लिए मतलब कई और भवों में साथ देके हमारा साथ दे मतलब देखा जाए तो वास्तव में कि एक जीव दूसरे जीव का कल्याण में सहायक तो होता ही है कितना भी आपको पर वैसे पर जीवा नाम है ना हाँ, इसी के दिस इज सो ट्रू बिल्कुल सही है हर एक को अपने पॉजिटिव लेना कि ये मेरे लिए कुछ अच्छे के लिए बता रहा है मुझे चाहे उस टाइम हमें बुरा लग रहा हो लेकिन कहीं ना कहीं वो अच्छा हो जाता है हाँ बहुत सही बात है ठीक तो कैसा रहा सो फार हमारे हमने सोलह तीर्थंकरों के बारे में पढ़ लिया है है ना पंद्रह तीर्थंकर मुझे तो ऐसा लगता है फिर दोबारा से कब पढ़ेंगे अब कर 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 ये ऐसा मौका सोलवे तीर्थंकर थे ना शांतिनाथ सोलवे थे लेकिन आदिनाथ भगवान हाँ हाँ ठीक है सॉरी आर राइट पंद्रह पढ़े हैं बिल्कुल ठीक है इसके बाद आदिनाथ पुराण भी पढ़ेंगे ठीक है ठीक है इनको हरिवंश पुराण भी लाइन में लगा है हाँ, हुए हाँ, वो ए... वो युद्ध हुए, मतलब तो वो हाँ, वो बहुत है ये चक्रायद हुए मतलब शांतिनाथ भगवान के ना हाँ बिल्कुल तो चलिए जिनमानी स्तुति कर लेते हैं एक मिनट हरिवंश पुराण जो है ना पांडवों वगैरह का जी महाभारत जैन महाभारत महाभारत तो उसमें भी बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी जैसे हमने पद्म पुराण जी में सीखा नया ऐसे ही उसमें बहुत सारी जो प्रचलित महाभारत है उसके कंपैरेटिव हम बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे उसमें तो मे बी आफ्टर दिस वी कैन टेक हरिवंश पुराण के हाँ डिटेल में पढ़ेंगे उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा यहाँ पर भी आएगी एक्चुअली अगर आप यहाँ का चार्ट चार्ट देखेंगे इसमें हम आगे चलकर यहाँ पर क्योंकि वो बल वो भी नारायण थे नाइट तो उनका भी थोड़ा सा यहाँ पर आएगा ठीक है जो कृष्ण जी और उनके भाई और प्रति नारायण थे तो उनका तो भी भगवान में आएगा ना मेमीनाथ भगवान के टाइम पे हाँ। के कजन ब्रदर थे ना ये है ना कृष्ण जीना तीर्थंकर बलदेव कृष्ण की पट्टरानी आदि के भवान्तरो का वर्णन फिर तीर्थंकर प्रद्युम्न कुमार बलभद्र कृष्ण है ना आ, 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 ये चाचा के लड़के थे ना कृष्ण भगवान के हाँ तो यहीं पर तो अभी काफी सारा है यहाँ पे चंदना सती का चरित्र भी है राजा श्रेणी और अभय कुमार का भी है राजा चेटक और चेलना का भी है ना बहुत ये भी पढ़ने वाले हैं ना

लेकिन तो तो आप सबने आंसर दिए ना तो याद आ गया हाँ बहुत अच्छे से मन से आ गया आंसर ऐसा नहीं हमने पढ़ा तो, भी नहीं अच्छे से अच्छा, याद आते तो मन नहीं नहीं नहीं। रहा सबका हाँ। चलिए लिख एक्चुअली लिखना था आपने जो जो क्वेश्चन लिखते